नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे अपने YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश के थिंग्स टू डू, हाउ टू रीच, परमिट्स एंड अकोमोडेशन के बारे में। और अगर आपने अभी तक 12 टूरिस्ट सर्किट का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं थिंग्स टू डू इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल एक्टिविटीज़ करने के लिए चीज़ों से भरा हुआ है। सबसे कठिन यह तय करना होगा कि पहले कौन सी एक्टिविटी करना चाहिए। यदि रोमांच आपका खेल है तो रोमांचकारी गतिविधियों की एक लंबी सूची है, या अगर यह रिलैक्सिंग हॉलीडे है तो आप हीटेड पूल, अंगूर के बाग और सांस्कृतिक आकर्षण का आनंद लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं नंबर एक, ट्रैकिंग। अरुणाचल प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा हरे भरे सदाबहार जंगलों से कवर्ड है। विदेशी पर्यटक, विशेष रूप से एडवेंचर सीकर्स, रेगुलर विजिटर होते हैं जो पहाड़ों में स्थित कई ट्रैकिंग मार्गों का पता लगाने के लिए यहां आते हैं। ट्रैकिंग के लिए बोमडीला तवांग क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। तवांग चू के आसपास का क्षेत्र ट्रैकर्स के लिए दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण दोनों है। जोंग से शुरू होकर एक लुभावने जंगल से गुजरते हुए मार्गों तक ट्रैक किया जा सकता है, जहाँ कुछ शानदार झरने देख सकते हैं। ट्रैकिंग के लिए सबसे अच्छे महीने मई और अक्टूबर हैं। कुछ और आकर्षक ट्रैकिंग मार्ग हैं बोमडीला सिप्पा, आलोंग मेचुका, दापोरिजो ताक्सिंग, पासीघाट टूटिंग, पासीघाट मरियांग, दापोरिजो आलोंग, बोमडीला दाई मारावाया, रामलिंगम और चक्कू। ये ट्रैकिंग मार्गों में बहुत लोकप्रिय हैं क्योंकि मशहूर मछली पकड़ने के अवसर हैं। सियांग के मैदानी इलाकों से शुरू होकर यह रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता है। यह मार्ग उन लोगों के लिए भी शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है जो अरुणाचल की जंगली और प्राचीन सुंदरता को अपने कैमरों में कैद करना पसंद करते हैं। बोट राइड के लिए पर्यटन आमतौर पर सैरी झील की ओर जाते हैं, जहां आगंतुकों को बोट राइड की सुविधा प्रदान की जाती है। चलिए अब आगे बात करते हैं एंगलिंग के बारे में। अरुणाचल प्रदेश में मछली पकड़ना और मछली पकड़ने के प्रेमियों के लिए बहुत सारे अवसर प्रदान करता है। पानी की प्रचुरता और खेल की सादगी ने इस खेल को अरुणाचल प्रदेश में विकसित करने में मदद की है। अरुणाचल प्रदेश विशेष रूप से ट्राउट और महाशीर मछली पकड़ने के लिए कई संभावनाएं प्रदान करता है। गोल्डन महाशीर को पकड़ना एंगलर्स द्वारा एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में मूल्यांकन किया जाता है। महाशीर को पकड़ना बहुत कठिन है क्योंकि यह एक बार फंसने के बाद लड़ाई करता है और महाशीर एंगलर्स की स्किल का परीक्षण करता है। आप अपना खुद का शेड्यूल तैयार कर सकते हैं। मछली पकड़ने में मस्ती का आनंद लेने के अलावा आप उन यादों को वापस ले जाते हैं जो जीवन भर चलती हैं। अरुणाचल प्रदेश में 5 नदियाँ जो प्रचुर मात्रा में मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध हैं, इनमें सियांग नदी और सुबनसिरी नदी के आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। चूंकि ये नदियाँ प्राचीन हैं इसलिए इन पानी में अधिक ऑक्सीजन है और इसलिए पकड़ हमेशा अच्छी होती है। चलिए अब आगे बात करते हैं राफ्टिंग के बारे में। अरुणाचल में एडवेंचर स्पोर्ट जैसे ट्रैकिंग, एंगलिंग, बोटिंग और राफ्टिंग के लिए बेहतरीन अवसर हैं। वास्तव में राज्य एडवेंचर टूरिज्म के लिए बहुत अधिक मांग में है, जो कि इसके ऊपरी इलाकों में अक्सर आयोजित किया जाता है। जो लोग नदी के खेल के लिए रुचि रखते हैं वे इसे सियांग नदी पर राफ्टिंग में शामिल होने का एक बिंदु मानते हैं, जो बहुत रोमांचकारी है। अतीत के भौगोलिक खोजकर्ता असम के ब्रह्मपुत्र और तिब्बत की संगपो नदी के बीच की कड़ी को जानने की कोशिश करते हुए इस नदी को मिसिंग लिंक के रूप में संबोधित करते हैं। तिब्बती मान्यता के अनुसार सियांग नदी को घोड़े के मुंह वाली नदी माना जाता है। अन्य दिलचस्प रिवर राफ्टिंग मार्गों में कामेंग, सिप्पा भालुकपोंग, सुबनसिरी, तालिहा, दापोरिजो का उत्तर और दिबांग अनिनी असम सीमा शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में। ऐसे समय में जब दुनिया के अन्य हिस्सों में बिग कैट परिवार की आबादी तेजी से घट रही है, अरुणाचल प्रदेश को अपने जंगलों में बाघ, तेंदुआ, क्लाउडेड तेंदुआ और स्नो तेंदुआ होने का गौरव प्राप्त है। इसके अलावा राज्य दो लुप्त प्राय कैट प्रजातियों गोल्डन कैट और मार्बल कैट का भी घर है। एवियन किस्मों के संबंध में अरुणाचल में 500 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें उल्लेखनीय संख्या अत्यधिक लुप्त प्राय और दुर्लभ हैं। सफ़ेद पंख वाली बतख, तीतर बितर, मोनाल बंगाल फ्लोरियन आदि प्रजातियां यहां के अलावा कहीं नहीं पाई जाती हैं। इनके अलावा वन्य जीवों की अन्य किस्में भी हैं, जिनमें अनन्य ताकिन अरुणाचल में पाए जाने वाले प्राइमेट की 7 प्रजातियों में से एक और मिथुन नामक राजसी स्तनपायी शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के बारे में।
अरुणाचल प्रदेश वन्य जीव उत्साही लोगों के लिए एक आदर्श स्थान है, क्योंकि यहाँ कई प्राकृतिक रूप से संपन्न अभयारण्यों के साथ साथ राष्ट्रीय उद्यान भी हैं। कुछ उल्लेखनीय हैं: पाखोईज वन्य जीव अभयारण्य, ईगल नेस्ट वन्य जीव अभयारण्य, केन वन्य जीव अभयारण्य, मॉलिंग नेशनल पार्क, डी इरिंग मेमोरियल वन्य जीव अभयारण्य, महो वन्य जीव अभयारण्य, दिहांग देवांग बायोस्फीयर रिजर्व और नामदफा वन्य जीव अभयारण्य। अरुणाचल का वन्य जीव इतना विविध है कि आपको ऐसे जीव मिल जाएंगे जो आमतौर पर देश के अन्य हिस्सों में नहीं मिलते हैं। आप लाल पांडा, हिमालयन ब्लैक बियर और गोरल आदि जानवरों को देख सकते हैं। पक्षी उत्साही लोगों के लिए सूची में सफ़ेद पंखों वाली बतख, बंगाल फ्लोरियन, टिमिनक्स, ट्रैगोपन, मिशमी व्रेन और स्कैटर के मोनाला आदि जैसी विदेशी और चमकदार प्रजातियां शामिल हैं। अरुणाचल एक अद्वितीय भौगोलिक क्षेत्र होने के कारण स्वाभाविक रूप से विविध स्थलाकृति और बदलती ऊंचाइयों से समृद्ध है। ऊंचाई पर निर्भर जलवायु परिस्थितियों ने एक वन्य जीव आबादी का निर्माण किया है जो विविध होने के साथ साथ कीमती भी है। वन्य जीवों की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियां राज्य के 7 वन्य जीव अभयारण्य और 2 राष्ट्रीय उद्यानों में पनपती हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अरुणाचल के कल्चर के बारे में। अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति वास्तव में इस मायने में भिन्न है कि राज्य में उप जनजातियों सहित 26 प्रमुख जनजातियां हैं। प्रत्येक जनजातियों की परंपराओं और रीति रिवाजों का एक अनूठा सेट होता है। अरुणाचल की प्रमुख जनजातियाँ आदि, गालो उर्फ आपतनी, न्याशी, टैगिन, बोरी और बोकार है। जनजाति और विश्वास। सूर्य और चंद्रमा प्रमुख जनजातियों के प्रमुख देवता हैं, जो डोनी पोलो धर्म का पालन करते हैं। पश्चिम कामेंग और तवांग जिले मुख्य रूप से तिब्बती प्रभावित मोनपा और शेरडुकपेन जनजाति द्वारा बसे हुए हैं। लोहित जिले में खम्पटी और सिंगफो जनजाति हैं। ये सभी 4 प्रमुख जनजाति बौद्ध धर्म के 2 अलग अलग संप्रदायों के अनुयायी हैं। अन्य जनजातियाँ मूल रूप से प्राचीन मान्यताओं के अनुयायी हैं, जिनमें पशु पूजा काफ़ी प्रमुख है। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अरुणाचल के फेस्टिवल के बारे में। अरुणाचल की सांस्कृतिक जीवन शैली रंगीन त्योहारों पर हावी है। चूंकि कृषि यहाँ का मुख्य आधार है, इसलिए लोग आमतौर पर त्योहारों को अच्छी तरह फसल देने के लिए सर्वशक्तिमान को धन्यवाद देने के रूप में मनाते हैं। ये त्यौहार विभिन्न जनजातियों के कलात्मक कौशल को भी प्रदर्शित करते हैं। राज्य के सांस्कृतिक त्योहारों का अनुभव करने के लिए 0 जिले का दौरा करना चाहिए, जो उत्सवों के लिए बहुत लोकप्रिय है। अरुणाचल की बोली। भाषाई विविधता के मामले में राज्य का एशिया में एक अद्वितीय स्थान है। यहाँ लोग 50 से अधिक बोलियाँ बोलते हैं और इनमें से अधिकांश तिब्बती बर्मन भाषा संरचना के अंतर्गत आती है। न्यासी, आपतनी, बोकार, गालो, टैगिन आदि जैसी भाषाएँ जो अरुणाचल में व्यापक रूप से बोली जाती है। तानी बोली एक प्रकार की तिब्बती बर्मन भाषा के अंतर्गत आती है। हालांकि राज्य के पूर्वी भाग में यह मिश्मी भाषा है जो व्यापक रूप से बोली जाती है। मिश्मी भाषा के तहत दिगारू, इडू और मिजू को लुप्त प्राय भाषा माना जाता है। पश्चिम और उत्तर में लोग बोडिक भाषा बोलते हैं, जो 2 भाषाओं दकपा और संगला में उपविभाजित है। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं स्पिरिचुअल के बारे में। अरुणाचल प्रदेश को तवांग मठ, उज्जैलिंग गोम्पा, चिलीपम गोम्पा, गोल्डन पैगोडा, डंगोरिया बाबा मंदिर, कार्दो हिल में शिवलिंग, परशुराम कुंड, आकाशी गंगा, मालिनी थन और कई अन्य आध्यात्मिक रूपों से महत्वपूर्ण स्थानों के साथ उपहार में दिया गया है। कोई भी इन स्थानों की आध्यात्मिकता में खुद को विसर्जित कर सकता है और अरुणाचल प्रदेश के आध्यात्मिक पक्ष का आनंद ले सकता है। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हेरिटेज के बारे में। अरुणाचल प्रदेश में कई उल्लेखनीय स्थान हैं जो इसकी समृद्ध विरासत की गवाही देते हैं। ऐसा ही एक लैंडमार्क शानदार तवांग मठ है, जो 113 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा है। 17वीं शताब्दी में निर्मित इस मठ में बौद्ध धर्म के महायान स्कूल गेलुगपा संप्रदाय से संबंधित बौद्ध भिक्षु रहते हैं। बौद्ध धर्म पर कई मूल्यवान पुरावशेषों के साथ साथ हस्तलिखित और मुद्रित पुस्तकाएं और पांडुलिपियां यहां पाई जा सकती हैं, जिनमें से कुछ इस तरह हैं: मालिनी थन, भीष्मक नगर, परशुराम कुंड, वर्ल्ड वार सेकेंड सेमेट्री, टूटिंग तहसील। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अराइवल फॉर्मेलिटीज़ के बारे में। फॉर डोमेस्टिक टूरिस्ट, इनर लाइन परमिट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल डोमेस्टिक टूरिस्ट। इनर लाइन परमिट एप्लीकेशन आप इन शहरों से प्राप्त कर सकते हैं: दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, शिलोंग और तेजपुर।
साथ में आप डिब्रूगढ़, नॉर्थ लखीमपुर, जोरहट आदि जगह से आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अकोमोडेशन के बारे में। अरुणाचल पर्यटन आवास विकल्प विविध है, हर स्तर के आराम और बजट के लिए कुछ न कुछ है। ये सर्किट पूरे अरुणाचल प्रदेश को राज्यों के माध्यम से फैले आवास विकल्पों की एक बड़ी संख्या के साथ कवर करते हैं। आवास में साधारण बजट होटल से लेकर गेस्ट हाउस, होम स्टे और होटल शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं क्विक फैक्ट्स के बारे में। 83,743 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल वाला सबसे बड़ा उत्तर पूर्वी राज्य और 82% से अधिक सदाबहार वन वाला क्षेत्र है। प्रतिवर्ष 3,000 मिलीमीटर से अधिक की औसत वर्षा होती है। इसकी जलवायु दक्षिण में उप उष्ण कटिबंधीय से लेकर उत्तर में अल्पाइन तक है। राज्य में 26 प्रमुख जनजातियाँ हैं और 100 से अधिक उप जनजातियाँ निवास करती हैं। केवल 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ इसका जनसंख्या घनत्व देश में सबसे कम है। यहाँ 500 से अधिक प्रकार के ऑर्किड पाए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं हाउ टू रीच अरुणाचल प्रदेश बाय एयर। अपने ज्यादातर पहाड़ी इलाकों के कारण अरुणाचल प्रदेश का अपना हवाई अड्डा नहीं है। यदि आप अरुणाचल के लिए उड़ान भरना चाहते हैं तो आपके पास दो विकल्प हैं, उत्तर लखीमपुर का लीलाबारी हवाई अड्डा और गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दोनों असम में हैं। इनमें से लीलाबाड़ी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के सबसे नज़दीक है। यह सप्ताह के 4 दिन उड़ानें प्राप्त करता है, ज़्यादातर गुवाहाटी और कोलकाता से। चलिए अब बात करते हैं हाउ टू रीच अरुणाचल बाय रेलवेज। 15 किलोमीटर पर अरुणाचल प्रदेश में नाहरलगुन रेलवे स्टेशन अपनी राज्य की राजधानी ईटानगर से सबसे नज़दीक है। यह 2015 में शुरू किया गया था और अब तक नई दिल्ली नाहरलगुन अरुणाचल प्रदेश एक्सप्रेस और नाहरलगुन गुवाहाटी इंटरसिटी एक्सप्रेस जैसी कुछ ट्रेनों को संभालता है। एक बार जब आप नाहरलगुन में उतरते हैं तो आप आसानी से राज्य की निजी वाहन पा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हाउ टू रीच अरुणाचल प्रदेश बाई रोड। अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचने के लिए ट्रेन और हवाई जहाज सबसे तेज रास्ते हो सकते हैं, लेकिन एक सड़क यात्रा सबसे दिलचस्प है। घुमावदार पहाड़ी सड़कें आपके ड्राइविंग कौशल को चुनौती देंगी और आपको आश्चर्यजनक नज़ारों से रूबरू कराएंगी। राज्य के स्वामित्व वाली अरुणाचल प्रदेश का राज्य परिवहन सेवा APSTS का मुख्यालय ईटानगर में है। यह असम से तेजपुर और गुवाहाटी, मेघालय के शिलांग और नागालैंड के दीमापुर जैसे प्रमुख जिला मुख्यालय के लिए अपनी बस सेवा चलाता है। अरुणाचल प्रदेश के हर कस्बे और गांव का अपना बस स्टेशन है, इसलिए आप फंसे नहीं रहेंगे। बसों के अलावा टैक्सी सार्वजनिक परिवहन एकमात्र साधन है। अगर आप खुद गाड़ी चला रहे हैं तो आपको कई विकल्प मिलेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 52, NH15 और NH415 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो अरुणाचल प्रदेश में चलते हैं। आप बंदरदेवा, उत्तर लखीमपुर, तेजपुर और गुवाहाटी से ईटानगर पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे अरुणाचल प्रदेश में थिंग्स टू डू, हाउ टू रीच एंड एकोमोडेशन की पूरी इन्फॉर्मेशन। साथ ही आप अरुणाचल प्रदेश के 12 टूरिस्ट सर्किट की पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। उम्मीद है आपको अरुणाचल प्रदेश की सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन की इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे किसी अगले डेस्टिनेशन की पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।